Next question. Question says figure shows the displacement of a particle going along the x-axis as a function of time. The forces acting on the particle is 0 in the region. हमारे ऑप्शन है ए बी बी सी सी डी या फिर डी ई. हमें बताना है कब इसके ऊपर नेट फोर्सेज कब आपका 0 होएगा. नाउ ये आपका डिस्प्लेसमेंट है x और t. तो इसका जब हम स्लोप देखेंगे, ठीक है. सो अगर आपका स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ है वो आपको देता है वेलोसिटी. सो अगर यहाँ देखेंगे तो ये आपकी जो स्लोप क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है तो यहाँ पे v आपकी कांस्टेंट आ गई और सिमिलरली यहाँ पे आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी. ये आपकी पॉजिटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है, पर वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है. यहाँ पे आपकी वेलोसिटी और यहाँ पे आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है. तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि आपका एक्सेलरेशन या फिर आपका नेट फोर्स जो है वो आपका 0 होएगा. सो आपका क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है इसलिए आपका कोई एक्सेलरेशन नहीं और आपका फोर्स 0 है. सो इस वजह से हम कह सकते हैं कि आपका ए बी और सी डी जो है ये आपका नेट जीरो फोर्स का रीजन है. तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए बी एंड सी डी विच इज़ ए एंड सी. सो चॉइसेस ए एंड सी वुड बी द करेक्ट वंस.